हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में हम शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बट डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पिछली वीडियो तक हमने पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे लर्न कर लिए हुए हैं, ठीक है ना। जैसे आपने पढ़ लिया एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसी के साथ ही आपका पीरियोडिक टेबल क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। बट स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी आ रही थी कि इसमें लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे करने हैं इनके। आपको फर्स्टली क्या करना पड़ेगा, इनके नाम याद करने पड़ेंगे। जैसे इधर सीरियम, प्रेजोडीनियम, नियोडीनियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलीनियम, टर्बियम, डिस्प्रोस्पियम, होल्मियम, अर्बियम, ठीक है ना। ऐसे ऐसे आप लोगों को इनके वो याद कर लेने हैं। और जैसे ये वाली चीज़ हो गई, थुलियम हो गया या टर्बियम हो गया और ल्यूटेशियम हो गया। तो ये वाले पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आपको एलिमेंट्स के नाम याद कर लेने हैं। जब एलिमेंट्स के नाम आपको याद हो गए, देन आपको क्या करना है, नेम्स अगर याद हो गए, हर एक में आपको ऐसा ही करना है। पहले आपको नाम याद करने हैं इन सभी के, पहले आपको क्या करने हैं, नेम्स याद करने हैं। देन आपको क्या करना है, देखिए आपने फिर देखना है कि यहाँ भाई एफ ब्लॉक एलिमेंट है तो इधर फीलिंग ऐसे होने चाहिए, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, 8, F9, F14 तक ऐसे फीलिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे सोचना है, ठीक है ना। और फिर देखना, आपने ऐसे फीलिंग कर भी देनी है, फिर क्या करना है, फिर आपको आप लोगों को एक चीज़ सोचनी है कि हाँ भाई कौन सा ऐसा है जो कि ऐसा नहीं है, कौन सा ऐसा है जो कि ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जैसे आपकी फीलिंग हो रही है F1, F2, ऐसे कौन से वाले एलिमेंट्स की फीलिंग नहीं हो रही है, और जिसकी नहीं हो रही होगी वो आपका क्या है, एक्सेप्शनल केस, वो आप लोगों को याद कर लेना है। जैसे इधर क्या था, जैसे लैंथेनम तो डी ब्लॉक था, ठीक है ना, इसका तो सिंपली आपने कर लिया था, इधर ज़ीनॉन लिखा था और इधर क्या लिखा था, 5D1 लिखा था और आगे क्या लिख दिया था, 6S2, ठीक है ना, ये वाला कर लिया था। फिर मेन मुद्दे की बात थी, वो थी सीरियम की। सीरियम में आपने क्या किया था, सीरियम में भी ऐसा ही किया था और इधर क्या किया था, 5D1 ऐसा ही रहा, 5D1 ऐसा ही रहा था और इधर रहा था 6S2, तो ठीक है ना। ये ऊपर वाले, ये इसकी मैंने फीलिंग बता दी, ठीक है ना, ये इसकी फीलिंग बता दी। बट अभी देखो न्यू आया ना 58, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा ना, तो वो आपने कहाँ पर करना है, 4F1 ऐसे ऐसे कर देना है, 4F1। देन सिंपल है, देन कुछ भी नहीं है। बाकी आपने क्या करना है, अभी बाकियों के केस में क्या करना है, प्रेजोडीनियम और सेमेरियम तक इधर क्या कर लो, प्रेजोडीनियम और सेमेरियम तक 59 से लेके 62 तक आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपल सी कहानी कर देनी है कि इधर क्या हो गया, डी से 5D1 में था ना जो, उधर से एक कम करवा देना, इधर से क्या कर दिया 5D1 की जगह पे क्या लिख दिया, 5D0, और इधर क्या हो जाएगा फिर, इधर 1 था ना 4F1, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपका, इधर 1 था तो इधर क्या हो जाएगा, अगर उधर से कम कर दिया और एक उसका अपना भी आ रहा होगा तो इधर क्या होगा, 4F3, इधर क्या आ जाएगा, 4F3, 4F4, न्यूडीनियम के 4F4, 4F5, 4F6, ठीक है ना, 4F6, सिंपल सी कहानी है। और यूरोपियम क्या है, यूरोपियम में अभी देखो 4F7 हो जाएगा, 4F7, सिंपल सी कहानी चलती गई आपकी, 4F7, ठीक है ना। तो अभी जब यूरोपियम में 4F7 हो गया तो गैडोलीनियम में क्या होना है, अभी देखिए ये 4F7, ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है, तो अभी देखियो इधर भी वही चीज़ हो जानी है, 4F7, तो इधर क्या करना है आपने, एक डी में दोबारा से ऐड कर दो, डी में दोबारा से ऐड कर दो, तो इधर क्या हो जाएगा, दोबारा से 4F7। जो न्यू वाली एडिशन हुई वो एफ में नहीं हुई, एफ में हो जाती तो 8 हो जाता, तो वो हाफ फील्ड नहीं रहता, तो आपने क्या कर दिया, डी में फिलिंग कर दी 5D1, तो ऐसी वाली फीलिंग हो गई। देन आगे आसान है, ठीक है ना, फिर से आपने डी से क्या कर देना है, डी से कम करवा दिया तो इधर 7 तक पहुँच चुका था, तो डी से एक कम करवा दिया, 5D0 हो गया, तो क्या 5F, तो क्या हो जाएगा 4F9, 4F10, 11, 12, 13, 14, 14 जब पहुंच जाएगा और देन क्या हो जाएगा, लास्ट वाले में क्या हो जाएगा, फिर आपने डी में एक ऐड करवा देना है, डी में 5D1 कर देना है और इधर क्या 4F14, ठीक है ना।
ल्यूटेशियम में ऐसा कर देना। तो ये वाली सिंपल सी कहानी थी इसकी, तो मेरे को नहीं लगता इसमें ज़्यादा कुछ है, बस दो तीन एक्सेप्शनल केसेस हैं वो आप लोगों को याद कर लेना है, जैसे यूरोपियम और गैडोलिनियम। यूरोपियम और गैडोलिनियम ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, और देन यट्रबियम और ल्यूटेशियम। यट्रबियम और ल्यूटेशियम जो कि 70 और 71 नंबर है जिनका, यट्रबियम और ल्यूटेशियम। इधर क्या था, यूरोपियम और गैडोलिनियम में 4F7 था, 4F7, और उधर क्या था, 4F14। तो बस ये वाली चीज़ थी, सिंपल सी कहानी है। बट डी के हमेशा, डी का हमेशा याद रखना है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। देखिए डी में, इधर सीरियम में गया था डी में, ठीक है ना, सीरियम में जब आपने फीलिंग करी थी तो उधर डी में गया था, ठीक है ना, और फिर गैडोलिनियम में जब आपने फीलिंग करी तो उधर भी डी में इलेक्ट्रॉन गया था, तो और फिर जब लास्ट में आपने ल्यूटेशियम में करी तब भी उधर डी में गया था। तो ये वाली चीज़ आप लोगों को याद कर लेनी है, ठीक है ना। ऐसे ही एक्टिनाइड्स को आपने याद कर लेना है। एक्टिनाइट्स में आपने क्या करना है, एक्टिनाइट्स में थोड़ा ज़्यादा एक्सेप्शनल केसेस है, ठीक है ना। थो इधर क्या हो गया, देखिए बाकी लास्ट वाली बिल्कुल सेम है, स्टार्टिंग में थोड़ा सीन है, ठीक है ना, लास्ट में बिल्कुल सेम है। जैसे अमेरशियम, अमेरशियम जैसे अमेरशियम और क्यूरियम, जैसे अमेरशियम और क्यूरियम, इधर कोई भी चक्कर नहीं है, ठीक है ना। बाकी सब कुछ जैसे लैंथेनाइड्स में आपने फिलिंग करी वैसे ही कर लिया, बट इधर क्या होना है, आपको पता है 5F होना है, ठीक है ना। तो अमर्शियम और क्यूरियम में भी ऐसा ही होना है। अमर्शियम और क्यूरियम में क्या होना है, जैसे आपने उधर किया था 5F7, और फिर आपने 6D1, 6D1 कर देना है, ठीक है ना, क्यूरियम में, क्यूरियम में 6D1 कर देना है, और फिर उसी के बाद वैसे ही 5F9, 10, 11, 12, मतलब बिल्कुल इसकी तरह सेम, बट आपने नंबर चेंज कर देना। जैसे इधर 4F लैंथेनाइड्स में 4F था तो नीचे वाले में क्या 5F, और इधर क्या था 5D था तो इधर क्या हो जाएगा 6D, तो इधर क्या था 6S था तो इधर क्या 7S। तो बस ऐसी चीज़ कर देनी है, बाकी बिल्कुल चीज़ क्या है सेम है। तो बट इधर क्या है, स्टार्टिंग में क्या है, एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो आप लोगों को याद कर लेने हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। जैसे आपका हो गया थोरियम के केस में, आते ही थोरियम में क्या है, एक्सेप्शनल केस है। थोरियम एक्सेप्शनल केस कैसे है, देखिए आपने क्या ऊपर किया 6D1 किया, ठीक है ना, एक्टिनियम की कॉन्फिगरेशन लिखी है आपने 6D1, 7S2, और इधर क्या था रेडॉन था। तो आपके हिसाब से थोरियम में ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना, 5F1, आपके हिसाब से 5F1, 6D1 और 7S2 ऐसे होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। आपका क्या हो जाता है, एफ में फीलिंग नहीं होती है, ठीक है ना, एफ में फीलिंग नहीं होती है। जो आपका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होता है वो कहीं दोबारा से कहीं पे चला जाएगा, 6D1 था ना तो इधर क्या 6D2 में चला जाएगा, 6D2 में चला जाएगा थोरियम के केस में, ठीक है ना, थोरियम के केस में। देन थोरियम के केस में ऐसा हो गया प्रोटेक्शनियम, यूरेनियम और नेप्टूनियम, प्रोटेक्शनियम, प्रोटेक्शनियम, यूरेनियम और नेप्टूनियम, ये वाले एक्सेप्शनल केसेस हैं, इनको अच्छे से याद कर लो। और अमेरिशियम और क्यूरियम और नोबेलियम और लॉरेंशियम, तो ये वाले एक्सेप्शनल केसेस हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लो। जैसे प्रेजोडीनियम, यूरेनियम और नेप्टूनियम, इधर क्या चीज़ होती है, इधर क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो जैसे इधर था 6D1, इधर डी में इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होता है, जैसे उधर उधर क्या होता है 5D0 हो गया था ना, तो इधर ऐसा नहीं होता है। किस किस के केस में, प्रेजोडीनियम, यूरेनियम और नेप्टोनियम के, उधर डी में इलेक्ट्रॉन रहता है, और जो आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो वो इसमें डाल देते हो आप, ठीक है ना, वो एफ में डाल दोगे। जैसे इधर 5F, इधर क्या होना चाहिए था 5F1 होना चाहिए था, बट इधर 5F1 नहीं हुआ तो इधर क्या हो जाएगा 5F0 हो गया, ठीक है ना, थोरियम के केस में। बट अभी देखिए जो अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर डाल दिया, ठीक है ना, अभी देखिए ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हुए, एक तो गया था 7S2, 6D2, चार हो गए ना, 1, 2, 3, 4, ये थोरियम की बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी मैंने बता दिया कि 6D1 और 7S2, इधर चार है ना, 1, 2, 3, 4, तो एक इधर कितने हो गए, 1, 2, 3। तो अभी अगली अगले एलिमेंट की तरफ जा रहे हो ना, प्रेजोडीनियम की तरफ, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होना है ना, तो कितने 5 हो जाएंगे ना, तो 3 तो फिल कर दिए, तो बाकी 2 किस में चले जाएंगे, 5F2, प्रेजोडीनियम में ये हो गया 5F2। वैसे ही बाकी ऐसा ही रखना है आपने यूरेनियम और नेप्टूनियम में भी, तो इधर क्या हो जाना है 5F3 यूरेनियम के केस में, और नेप्टूनियम के केस में 5F4।
बाकी बिल्कुल आपने वैसे के वैसे ही करते जाना है, तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ आसान है, तो आपको बार बार प्रैक्टिस कीजिए तो आपको ये चीज़ याद हो जाएगी, ठीक है ना। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि पीरियोडिक टेबल को बेटा सिंसियरली याद करिए। अगर पीरियोडिक टेबल अगर आपको याद नहीं हुआ तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप लोग नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने ये टॉपिक सबसे पहले चुना। ये मैं टॉपिक मैंने इसलिए चुना बिकॉज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा काम आती है, आप सोच भी नहीं सकते इतनी ज़्यादा काम आएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको। तो इसको आपने हल्के में नहीं लेना है, ठीक है ना। अगर हल्के में लोगे तो फिर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी कम समझ आएगी, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने करवा दी आपको, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इनको बार बार प्रैक्टिस करते चलिए। और आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपको इतनी चीज़ क्लियर होगी ना तो आपको चैप्टर्स पढ़ने में इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। जब आप लोग पूरा हम एज इट इज़ डिटेल में चैप्टर्स पढ़ेंगे तो इतनी डिफ़िकल्टी आप लोगों को नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये वाला टॉपिक क्यों चुना, ठीक है ना। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए आपको मॉलिक्यूल्स की तो मैंने डेफिनेशन तो बता दी है, ठीक है ना। मॉलिक्यूल क्या होता है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर दैट हैज़ द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। तो आपको क्या चाहिए? आपको पता होना चाहिए कोई भी मॉलिक्यूल की शेप क्या है, ठीक है ना। जैसे आप केमिस्ट्री में मेजॉरिटी मेजॉरिटी क्या करते हो, किससे डील करते हो? मॉलिक्यूल से डील करते हो, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड से डील करते हो, मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स ये वाली चीज़ इनसे डील करते हो। तो उनकी शेप पता होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे पानी हो गया, पानी की क्या शेप होगी? मीथेन हो गया, इसकी क्या शेप हो गई? अमोनिया हो गया, इसकी क्या शेप हो गई, ठीक है ना। PCl5 हो गया, इसकी क्या शेप हो गई? तो ऐसे PCl3 हो गया, इसकी क्या शेप होगी, ठीक है ना। तो इन सभी की शेप आप लोगों को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन शेप्स का अगर आपको पता करना है तो इसके लिए दो थ्योरीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक तो चाहिए हाइब्रिडाइजेशन, और एक जो है और दूसरी है आपकी वेस्पर थ्योरी। और बेटा मैं आपको लास्ट में इसकी एक ट्रिक बताऊंगा, जिसे एक छोटा सा टेबल है वो आप लोगों ने याद कर लिया तो मैं आपको एक श्योरिटी दे दूंगा, कि गारंटी दे दूंगा कि आप लोग कभी भी किसी भी कोई भी मॉलिक्यूल अगर आप लोगों को दे दिया जाए तो आप उसकी शेप पता कर पाओगे। शेप पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए एज इट इज़ नीट में सवाल पूछे जाते हैं, नीट वाले अगर इधर से सवाल नहीं पूछें शेप से तो उनको बचती नहीं है, ठीक है ना। बचनी है उनको, बचती नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि हमेशा एक ना एक एक या दो सवाल शेप से पूछते हैं, वन और टू क्वेश्चंस। ये हमेशा नीट वाले आप लोगों को पूछते ही पूछते हैं, और जेके बोस वाले ये भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं। जेके बोस ये मैं इसलिए क्यों करवा रहा हूँ, जेके बोस के सिलेबस में कहाँ पे है? देखिए जब आप पी ब्लॉक जब पढ़ते हो तो उधर एक आता है ग्रुप, जैसे आपने पढ़ा 15, 16, 17 और 18, ये वाले ग्रुप आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ने हैं, ग्रुप 15, 16, 17, 18, ठीक है ना। ये नाइट्रोजन फैमिली होगी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्मत, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलोनियम, टेलूरियम, पोलोनियम, ग्रुप 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना, ये वाली चीज़। और ग्रुप 18 हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन। तो इनमें दो टॉपिक्स आते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और हमेशा सवाल पूछा जाता है उधर से। एक तो हो गया क्या, कंपाउंड्स ऑफ जिनोन, और एक आ गया इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हमेशा सवाल पूछा जाता है। देखिए आप प्रीवियस ईयर देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेना, ठीक है ना। PYQs अगर देखोगे तो उधर से आप लोगों को पता लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है ना। देखिए हर एक, मैं बोल रहा हूँ हर एक साल ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना, किसी न किसी तरीके से, बिकॉज पी ब्लॉक आपका 8 नंबर का सबसे महंगा चैप्टर है आपके 12वीं क्लास की केमिस्ट्री का, ठीक है ना। तो 8 नंबर का चैप्टर है, ठीक है ना, 8 नंबर का चैप्टर है, तो कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से आप लोगों को वो शेप्स के बारे में पूछते ही हैं, ठीक है ना। कंपाउंड्स ऑफ जिनोन की शेप्स और
इंटरहेलोजन कंपाउंड्स की शेप, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी वेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन अगर क्लियर हो गया तो देन आप लोगों को कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, ठीक है ना, इन इन शेप्स को करने में। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि हाँ भाई इधर होता क्या है, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है। देखिए सिर्फ आज मैं आइडिया दूंगा, कल बाकी आप लोग घर से पढ़ के आएँ, ठीक है ना, घर से बढ़ के आओगे, और कल मैं आपको ये हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा और आपको हर एक चीज़ का पता लग जाएगा, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है, देखिए आपका जैसे बायो का, बायो में टॉपिक होता है हाइब्रिडाइजेशन, क्या उधर क्या होता है कि कोई दो, आपके कोई दो वैराइटीज़ होती है, ठीक है ना, दो वैराइटीज़ होती है, दो वैराइटीज़ होंगी, और उनमें जो आप एक न्यू वैराइटी में कोई क्वालिटी आप देखना चाहते हो, ठीक है ना, देखना चाहते हो, तो वो क्या करते हो आप, उन दो दो वैरायटीज़ को क्या कर देते हो, पहली वाली दो वैरायटीज़ को क्या कर देते हो, मिक्स कर देते हो, कुछ अलग सी चीज़ें करते हो, कुछ उनको हाइब्रिडाइज मतलब मिक्स कर देते हो, ठीक है ना, उनको क्या कर देते हो, मिक्स कर देते हो, और आपकी कोई एक नई सी वैरायटी बन जाती है जिसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, जो कि जैसे आपने प्लांट्स के केस में सुना होगा, ठीक है ना, प्लांट्स के केस में क्या होता है कि एक दो वैरायटीज़ को आपने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, जो आपको न्यू वैरायटी मिली वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा पेस्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, उसको ज़्यादा पेस्ट अटैक नहीं करते, ठीक है ना, और वो पानी क्या लेती है, वाटर, क्या वाटर देने की कम ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, और भी जैसे और भी चीज़ें हो सकती है, जैसे हीट रेजिस्टेंट कम होगी, ठीक है ना, हीट रेजिस्टेंट होगी मतलब ज़्यादा हीट का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो ये वाली चीज़ें होती है कि मतलब क्या करते हो, कोई आप समझो दो पेड़ देख रहे हो, उनमें दो पेड़ देख रहे हो, उनमें आपको वो कुछ ऐसी क्वालिटी नहीं दिख रही, ठीक है ना, आप चाहते हो कि आधी क्वालिटीज़ आपको एक में दिख रही हैं, आधी क्वालिटीज़ आपको दूसरे में दिख रही हैं, आप चाहते हो कि वो सारी की सारी क्वालिटीज़ कहीं किसी न्यू प्लांट में आ जाएं, तो क्या करते हो आप, उनको क्या करते हो, लैब में जाके उधर उनकी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह करते हो, तो आप उधर से जब उन दोनों को आप मिक्स करते हो तो उनकी कोई न्यू वैरायटी मिल जाती है, ठीक है ना, न्यू वैरायटी मिल जाती है, तो उससे क्या हो जाता है, उसमें वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपको चाहिए होती हैं, तो ऐसे ऐसे चीज़ होती है। बट हमेशा ये टेक्निक मतलब पास नहीं हो जाती, कभी कभी ये टेक्निक फेल भी हो जाती है, लैब में जब आप करते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप नहीं कर पाते, ठीक है ना, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने पहली बारी में ही सक्सेसफुल हो जाना है, तो ऐसी ही चीज़ होती है। ऐसा ही सीन इधर क्या कहाँ पे होता है, ऑर्बिटल्स के केस में। ऑर्बिटल्स मैंने आपको बता दिए थे कौन कौन से होते हैं, एस होते हैं, पी होते हैं, डी होते हैं, एफ होते हैं, ऐसे ही ऑर्बिटल्स हो गए ना। तो इधर क्या होता है, ये ऑर्बिटल्स, इन समझो दो ऑर्बिटल्स ले लिए, एस और पी ले लिए, एस और पी ऑर्बिटल्स ले लिए, और इन दोनों को क्या कर दिया मैंने, मिक्स कर दिया, इन दोनों को जब मैंने मिक्स कर दिया तो मेरी क्या हो गई, एक न्यू वैरायटी बन गई, ठीक है ना, न्यू ऑर्बिटल्स बन गए, न्यू ऑर्बिटल जिनमें क्या है, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना, उनकी एनर्जी सेम होगी, वो और स्ट्रॉन्ग होंगे, स्ट्रॉन्ग ऑर्बिटल्स होंगे कंपैरेटिवली एस और पी से, ठीक है ना, तो ऐसी ऐसी कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, जब हम डिटेल में हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जानी है, ठीक है ना, जब इनके बारे में आपको पता लग गया, जब हाइब्रिडाइजेशन आपने कर दी, ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन का आपको पता लग गया, देन क्या हो गया, मतलब दो ऑर्बिटल्स को आपने मिक्स कर दिया और आपके न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, न्यू ऑर्बिटल्स बने जो कि जिनमें बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है ना, वो स्ट्रांग होंगी, उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, तो ऐसी ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी, तो वो क्या करते हैं, जब भी आपका, तो उससे आपको ज्योमेट्री का पता लगता है, ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज्योमेट्री मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ज्योमेट्री क्या होती है और शेप क्या होती है, इन सब भी को हमने डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना, बट आप लोगों को मैं एडवाइस करता हूँ कि आप लोग, पहले से आपका 11th क्लास का टॉपिक है तो आप इनको घर में घर पर अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा, तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। देन क्या हो गया, वेस्पर थ्योरी हो गया, वेस्पर थ्योरी का भी आइडिया देता हूँ, ठीक है ना, वेस्पर थ्योरी से आपको किसका, शेप्स का पता लगता है, जैसे मैंने बता दिया ना शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वेस्पर थ्योरी में आप लोगों को क्या, किसी भी मॉलिक्यूल की शेप का पता लगेगा, ठीक है ना, इस मॉलिक्यूल की क्या शेप है, जैसे वाटर की शेप क्या होती है, बताइए, अगर आपने 11th क्लास अच्छे से पढ़ी है तो आप बता सकते हो, ठीक है ना, बताइए, ठीक है ना, तो इधर वो होती है आपकी बेंट शेप, ठीक है ना, मीथेन की क्या शेप होती है, मीथेन CH4 इसकी होती है टेट्राहेड्रल, और अमोनिया की क्या शेप होती है, इसकी होती है पिरामिडल, तो ये वाली चीज़।
तो ये वाली शेप्स कैसे पता लगती है? इसके लिए थ्योरी है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर का क्या मतलब होता है? वेस्पर थ्योरी, वेस्पर का मीन्स वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, ये वाली चीज़ हो गई वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। इसका क्या मतलब हो गया? देखिए वैलेंशियल आपको पता है एक एटम होता है, एटम में क्या होता है? वैलेंशियल होता है, ठीक है ना। वैलेंशियल होता है ना सबसे बाहर वाला, सबसे बाहर वाला शेल होता है, और उधर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पड़े होते हैं? ऑर्बिटल में पड़े होते हैं, वैलेंशियल में। वैलेंशियल में जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंशियल मतलब सबसे आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कौन से? जो पेयर हैं, पेयर हैं, ठीक है ना। वो क्या करेंगे? अभी आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे तो दोनों में सारे इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। तो एक दूसरे को वो क्या करने के, रिपेल करने की कोशिश करेंगे। तो इसी की वजह से आप लोगों को शेप्स का पता लग जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा लोन पेयर, लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम रिपल्शन, और सबसे कम किस में? बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर में रिपल्शन। तो ये वाली चीज़ आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी होगी, ठीक है ना। बट हम लोगों ने डिटेल में वेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन पढ़नी है, इससे आपकी 11th क्लास की भी हेल्प हो जाएगी और 12th क्लास का भी आपका काम चल जाएगा। कंसेप्चुअल वे में आप जाओगे तो सब कुछ आप लोगों को पता लग जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी इसमें। तो ये वाली मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, क्या बता रहा था? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। वैलेंशियल सबसे आउटर मोस्ट शेल होगा, ठीक है ना, आउटर मोस्ट शेल वैलेंशियल। अभी देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर, देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर, दो पेयर का मतलब ये होता है ना जोड़ा, इलेक्ट्रॉन पेयर ये हो गया, ठीक है ना, ये समझो इलेक्ट्रॉन है। तो अभी देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे CH4 मैंने बना दिया ना, CH4 ये बना दिया। तो अभी देखिए एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है ना, दो इलेक्ट्रॉन से बनता है ना, एक एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो देखिए इधर ये भी जोड़ा है, ये भी जोड़ा है, ये भी जोड़ा है, पेयर है ना, तो ये भी जोड़ा है। जो बॉन्ड, जो जब क्या, जब ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है? बॉन्ड भी बना सकता है, तो उसको आप बोलते हो बॉन्ड पेयर, ठीक है ना, बॉन्ड पेयर। और एक एग्जांपल देता हूँ लोन पेयर की, देखिए जैसे NH3, लोन मींस अकेला, लोन मींस अकेला। ये देखिए ये अकेला पड़ा हुआ है ना, एक ने देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना दिया, इस इलेक्ट्रॉन पेयर ने भी बॉन्ड बना दिया, इस इलेक्ट्रॉन पेयर ने भी क्या कर दिया? बॉन्ड बना दिया। बट ये वाला पेयर इधर पड़ा हुआ है ना एज इट इज, तो इसको आप बोलते हो लोन पेयर। तो बस यही सारी कहानी है, ठीक है ना। एक होता है लोन पेयर, लोन पेयर होता है जो बॉन्ड बनाने में हेल्प नहीं करता, वो पेयर इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड बनाने में हेल्प नहीं करता उसको आप बोलते हो लोन पेयर, और वो पेयर इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है उसको आप बोलते हो बॉन्ड पेयर, ठीक है ना। जो बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है मतलब बॉन्ड, ये फोर्स होती है दो एटम्स के बीच में, ये वाली चीज़, ठीक है ना। तो ये जो बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है उसको आप बोलते हो बॉन्ड पेयर, और जो बॉन्ड बनाने में हेल्प नहीं करता उसको क्या बोलते हो? लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब वो अकेला का अकेला एक एटम के ऊपर पड़ा होता है। तो ये वाली चीज़ होगी, ठीक है ना। अगर ये वाली चीज़ अगर क्लियर होगी तो बस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की वजह से आपको कैसे मॉलिक्यूल्स की शेप्स का पता लगता है, बस इतनी ही चीज़ मैंने आपको बतानी है, और आपका टॉपिक सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। बट आपको एडवाइस करूँगा मैं कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से कर लीजिए, और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से कर लीजिए, और वेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन को अच्छे से पढ़ के आइए, तो आपको फिर दूसरे दिन ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा। तो ये वाली चीज़ हो गई थी। थैंक यू। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हो।